Hello there, assalamu alaikum. This is Samia and very warm welcome to all of you. So in today's lecture we are going to discuss about the cell cycle. आज के लेक्चर में हमें सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करना है. ये चैप्टर नंबर 5 है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि सेल साइकिल हमारे पास होता क्या है. बेसिकली तो कहते हैं सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम ए सेल इज प्रोड्यूस. मतलब कि ये एक इवेंट्स की सीरीज होती है उस टाइम से जब से सेल कोई भी सेल प्रोड्यूस होता है अंटिल इट कंप्लीट माइटोसिस. तब तक जब वो माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं एंड प्रोड्यूस ए न्यू सेल और उससे एक नया सेल बन जाता है. इस दौरान में जितने भी इवेंट्स हो रहे थे जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो सेल साइकिल के अंदर आते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल बेसिकली कहते हैं. तो अब सेल साइकिल में दो मेजर फेजेस हमारे पास होती हैं. जो पहले वाली उसको हम इंटरफेज कहते हैं, द सेकेंड वन इज माइटोटिक फेज. तो इंटरफेस क्या है, वो कहते हैं इंटरफेस इज लॉन्गर वेद सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन. जो इंटरफेस जो है इसका जो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास वो क्या होता है, लंबा होता है. इसमें सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है. वो किस तरह से प्रिपेयर कर रहा होता है वो आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस को डिटेल में. और माइटोटिक फेज जो होती है वो कंपेरेटिवली इंटरफेस से जो है वो शॉर्ट होती है. और वो यही कह रहे हैं कि इज रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल. तो सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल उन सब इवेंट्स की जो है सीरीज होती है जो कि उस वक्त से स्टार्ट होती है जब से सेल जो है वो बनता है, फिर वो माइटोसिस करता है और उसके बाद जो है एक नया सेल बन जाता है. जितने भी इवेंट्स एंड प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो क्या किस में आ रहे होते हैं, वो सेल साइकिल के अंदर जो है कंसिडर हो रहे होते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंटरफेस. तो इंटरफेस इज अ टाइम व्हेन अ सेल माइटोटिक एक्टिविटी इज वेरी हाई. मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस में केमिकल जो है वो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या होता है, हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं केमिकल प्रोसेसेस की मदद से और जब वो टूटते हैं तो हमारे पास एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. और अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करें तो उसमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ के हमारे पास एक कंपाउंड्स बनाते हैं जो सेल को ज़रूरी होते हैं, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो उनको हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं एनाबॉलिज्म में. तो कैटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट कंपाउंड्स को तोड़ के उनसे एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं. और एनाबॉलिज्म में क्या होता है हमारे पास कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ के डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे होते हैं जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों मिलकर क्या बना रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है हमारे पास बना रहे होते हैं. तो इंटरफेस में हमारे पास क्या होता है, इंटरफेस में ये मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है ये बहुत हाई होती है. डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. आगे इंटरफेस की ये थ्री फेजेस हमारे पास, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, जिसे हम वन बाय वन करके डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास G1 फेज है. तो इसे हम स्टडी करते हैं कि इसमें क्या होता है. वो कहते हैं आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, मतलब कि सेल की प्रोडक्शन के बाद जब सेल बन जाता है, सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज. वो G1 फेज से अपना जो सेल साइकिल है उसको स्टार्टअप लेता है, उसको स्टार्ट करता है. ड्यूरिंग दिस फेज सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन. इसके दौरान क्या होता है, इस फेज में क्या होता है कि सेल की प्रोटीन की जो सप्लाई होती है सेल वो उसको क्या करता है, बढ़ाता है. इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स के नंबर को बढ़ाता है एंड ग्रो इन साइज, और साइज को भी अपने बढ़ा लेता है. इसमें क्या क्या हमारे पास चेंजेस आ रही होती है, सेल जो अपनी प्रोटीन की सप्लाई उसको बढ़ा लेता है, इसके बाद ऑर्गेनेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, इसके बाद हमारे पास सेल का साइज जो है वो भी ग्रो कर जाता है. दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज. और इस फेज में क्या हमारे पास होता है, डिफरेंट एंजाइम की सिंथेसिस भी होती है जो कि नेक्स्ट फेजेस आने वाली फेजेस में हमारे पास हेल्पफुल होते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें चार चीज़ें बेसिकली हो रही हैं जीवन फेज में, कि सेल की जो प्रोटीन की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसके बाद उसके नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स बढ़ जाएंगे, इसके बाद जो है सेल का साइज बढ़ेगा, और इसके बाद वो डिफरेंट एंजाइम्स बना रहा होता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं अगली फेजेस में उनके सर्वाइवल के लिए. इसके बाद हमारे पास एस फेज आ जाती है. वह कहते हैं इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट्स इस क्रोमोसोम. क्रोमोसोम नंबर क्या करते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, एक से दो बन जाते हैं. डुप्लीकेट मतलब के डुप्लीकेट हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, और इसके जो क्रोमेटिड्स होते हैं दो सिस्टर क्रोमेटिड्स
जो वो बन जाते हैं, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो रहा था ना, पहले वो सिंगल क्रोमोसोम होता है, बाद में वो डुप्लीकेट होएगा तो वो क्या बना देगा, वो डुप्लीकेट शक्ल में आ जाएगा और हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो बन जाते हैं। इसके बाद जीटू फेज आएगी, एंड जीटू फेज सेल प्रिपेयर प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस। इसमें क्या होएगा कि सेल जो है वो प्रोटीन बनाता है जो कि माइटोसिस के प्रोसेस के लिए एसेंशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट होती है। जब सेल डिवाइड हो रहा था तो स्पिंडल फाइबर धागे नुमा रेशे से निकलते हैं ना, तो उनकी फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है वो कौन बना, वो किस फेज में बन रही होती है, जी टू फेज में बन रही होती है। आफ्टर जी टू फेज ऑफ इंटरफेज सेल इंटर द डिवीजन फेज। जी टू फेज के बाद सेल किधर डिवाइड, किधर जाके एंटर होता है, डिवीजन फेज में जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एम फेज, माइटोटिक फेज। इट इज कैरेक्टराइज बाई माइटोसिस इन विच सेल डिवाइड इन टू टू डॉटर सेल। इसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना देता है। सेल दैट हैव टेम्पोरेरली और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेट टू बी एंटर स्टेट ऑफ कंसी स्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं, जी नॉट फेज कह लें, जी जीरो फेज कह लें। तो कहते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सेल हमारे पर टेम्पोरेरी या परमानेंटली जो डिवाइडिंग प्रोसेस को स्टॉप करके जो है हमारे पास एक साइलेंट सी फेज में, मतलब जहाँ पे वो डिवाइडिंग का प्रोसेस खत्म कर देता है और वहाँ पे एंटर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जी नॉट फेज या जी जी जीरो फेज कह लें आप लोग। तो इसमें फेज में क्या होता है कि सेल अपनी डिवीजन के प्रोसेस को रोक देता है, या तो फिर टेम्पोरेरी और या फिर इसको परमानेंटली। इसके बाद हमारे पर जी नॉट फेज आ गया। इन मल्टी सेलुलर यूकेरियोट सेल एंटर द जी नॉट फेज फ्रॉम जी वन एंड स्टॉप डिवाइडिंग। बेसिकली जो बात मैंने पीछे रिपीट की वही बात यहाँ पे, कि इसमें क्या होता है कि सेल हमारे पास अपनी डिवीजन के प्रोसेस को रोक देता है, डिवाइड नहीं होता, चुप करके बैठ जाता है। इसके बाद सम सेल्स रिमेन इन जी नॉट फेज फॉर इंडेफिनेट पीरियड। इसका कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि टेम्पोरेरली होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इंडेफिनेट, जिनके डेफिनेट पीरियड नहीं होते, जिनका पता नहीं वो मतलब कि बैठ ही जाते हैं उधर जाके, उनका कोई डेफिनेट टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम के लिए वो बैठे। जो इस तरह के सेल्स होते हैं जो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्रॉन्स कहते हैं। इसके बाद आ गया सम सेल्स इंटर द जी नॉट फेज सेमी परमानेंटली, सम सेल ऑफ लीवर एंड किडनी। कुछ ऐसे होते हैं जो सेमी परमानेंटली होते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते, सेमी परमानेंटली होते हैं। तो उनकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं लीवर एंड किडनी। सम सेल डू नॉट इंटर जी नॉट फेस एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग थ्रू एन ऑर्गेनिज्म लाइक जिस एपिथेलियल सेल। हमारे पास आते हैं कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जी नॉट फेज में जाते ही नहीं है और कंटिन्यूसली हमारे पास डिवाइड होते जाते हैं, होते जाते हैं। उनकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाती है, एपिथेलियल सेल आ जाती है। अगर हम जी नॉट फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सेल हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जो कि डिवाइडिंग फेज से आखिरी बिल्कुल अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं और उस फेज को हम कहते हैं जी नोड फेज। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि उस जी नोड फेज में किसी डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए नहीं होते, मतलब इनडेफिनेट टाइम पीरियड के, उनका कुछ पता नहीं कि वो कब तक जो है इस सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग स्टेट में। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है न्यूरॉन्स। और अगर हम कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सेमी परमानेंटली होती है, उनकी एग्जांपल हमारे पास आती है लीवर सेल्स एंड किडनी के सेल्स कुछ होते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड ही करते रहते हैं, वो कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज में वो जाते ही नहीं। उनकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये हमारे पास सेल साइकिल है, उसकी जो पिक्चर है। तो सबसे पहले ये देखिए डी1 फेज, इसमें हमारे पास क्रोमोसोम क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। फिर एस फेज आगे, ईच ऑफ द 46 ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर होंगे, अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होती है एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। इसके बाद हमारे पास जी टू फेज आ गया, द सेल डबल चेक्स द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर द एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर। मतलब कि जो हमारे पास क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट हुए होते हैं, उसको यहाँ पे आके उनकी चेकिंग होती है कि आया कि वो ठीक से उनकी डुप्लीकेशन हुई है कि नहीं, अगर कोई हेल्प या रिपेयर नेसेसरी हो तो वो यहाँ पे आके होता है। इसके बाद हमारे पास ये माइटोसिस है और साइटोकाइनेसिस है। और जी वन फेज के साथ ही हमारे पास कुछ सेल जो हैं कभी कभी जी नॉट फेस में भी एंटर हो जाते, वो भी इन लोगों ने मेंशन की हुई।
सो आई होप आप सब लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी. अगर समझ आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू सो मच. दिस इज समय एंड आई एम साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.